हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले जो फैन कोड ESC स्वेदन T10 जो मुकाबला चल रहा है दोस्तों, उन मैचेस के बारे में। दोस्तों, अब तक जितना मैचेस हुआ सब मैचेस में कवर कर चुका हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा था। स्टोकहोम वर्सेज कृष्णा स्टाइडर CC के बीच में मैच खेला जा रहा था। दोस्तों, ये मैच के बारे में बात करें, ये मैच स्टार्ट लगभग 26 घंटे बचे, तो उससे पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। वो तीनों चीज़ रहेगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट, एवरेज स्कोर और वेन्यू बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज आपको जानना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि तीनों चीज आपको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अगर पहले पिच के बारे में बात किया, तो जो पिच है आपको बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेगा। कोई भी टीम आपको टॉस जीता दोस्तों, बॉलिंग का फैसला करेगा। दोस्तों, T10 का मुकाबला, बट लेकिन उसमें चेंज करना पसंद नहीं होता, लेकिन इस मैच के लिए चेंज करना मुश्किल का बात है, बट लेकिन चेंज करने के लिए सोचेगा दोस्तों, क्योंकि जो वेन्यू है दोस्तों, वो जो पिच आपको रहेगा दोस्तों, जो विकेट है वो विकेट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा बैट्समैन बॉलर के लिए, तो इसलिए आपको बैटिंग चेंज करने का फैसला करेगा। उसके बाद एवरेज स्कोर के बारे में बात की, तो 80 और 90 के बीच में स्कोर बनेगा दोस्तों एवरेज स्कोर, क्योंकि दोस्तों बॉलर को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन स्पिनरों के लिए अच्छा एडवांटेज है ये पिच। तो उसके बाद अगर बात की, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज के बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अगर बात की फ्रेंड्स, तो वो क्या है कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहने वाला दोस्तों। मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है दोस्तों, आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिए होगा, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो सारा मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। फाइनल टीम हो जाए कि जिस तरह आपको फ्री एंट्री हो जाए, सारा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना। तो बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन हो, तो आपको सीधा इस तरह टेलीग्राम में चल जाना होगा। टेलीग्राम में जाकर इस तरह आपको सर्च ऑप्शन में जाकर इस तरह आपको सर्च करना होगा @JHOFANTASY करके। तो फ्रेंड्स, आपको सही तरह से सर्च करेंगे तो तभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा दोस्तों, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह आपको सर्च करेंगे तो तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद अगर बात की तरह से आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इस तरह आपको शो होने के बाद इस तरह सर्च करेंगे, तभी मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। आपको जो 1460+ सब्सक्राइबर जिसमें दिखा रहा है, उसी में आपको ज्वाइन करना है। बाकी फेक अकाउंट को आपको अवॉइड करना है, उससे पहले आपको सही तरह से सर्च करना होगा। और उसके बाद अगर बात की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है दोस्तों। मैं काफ़ी आपको फ्री एंट्रीज हो जाए, आपको प्लेइंग 11 हो जाए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वन से एक बार देख लीजिए दोस्तों। मैं हर मैच का स्मॉल लीग हो जाए, और उसके बाद अगर बात करें तो मैं 6 ग्रैंड लीग का टीम भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं विजय लेवन द्वारा दे रहा हूँ। तो विजय लेवन का खासियत यह है कि दोस्तों, लो कंपटीशन है, मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 2B फ्रैंकली मैं विजन लाउन द्वारा अच्छा पैसा कमा रहा हूं। तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों, आप मेरे यूजर हैं, उसके बाद आपको 50,000 का फ्री एंट्री दे रहा है। एंट्री फीस कोई नहीं है दोस्तों, 0 रुपीज़ है, सिर्फ विजन लाउन का खासियत है, डाउनलोड कीजिए, 100% श्योर मनी इजीली से अर्न कीजिए। उसके बाद अगर बात किया, तो आपको मैं डीओ का टीम दूंगा दोस्तों, वो सिर्फ आपको कुबेरा का द्वारा मिलेगा। कुबेरा का द्वारा डाउनलोड कीजिए, 100% श्योर कीजिए। और देखिए दोस्तों, तमिलनाडु प्रीमियर लीग जो शुरू हुई, 1,00,000 का फ्री एंट्री प्लस दोस्तों बुलेट का गाड़ी दे रहा है। तो बैक टू फॉर्म में दोस्तों माई मास्टर 11, तो माई मास्टर 11 ये चांसेस सिर्फ IPL में दे रहा था, लेकिन इस बार तमिलनाडु प्रीमियर लीग में दे रहा। हो सकते हैं कि APL में भी दे सकता है, जो APL मतलब आंध्र प्रीमियर लीग में भी दे सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें तो वगैरह वगैरह लीग्स आएगा, बट लेकिन दोस्तों तमिलनाडु प्रीमियर लीग में ये बुलेट गाड़ी दे रहा दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। एंट्री फीस सिर्फ 19 रुपये है दोस्तों, 1,00,000 का गाड़ी सिर्फ 19 रुपये में आपको मिलेगा। तो मुझ पर भरोसा कीजिएगा, मैं 100% श्योर आपको मनी इजीली से अर्न करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको कोई भी प्राइजेस होगा, वो प्राइजेस भी आपको मैंने इजी से अर्न करवा दूंगा। उसके बाद अगर बात किया, तो आपको इस तरह DEO का टीम मिल जाएगा। मैं काफी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम चैनल में आपको इस तरह दूंगा। और कल का मुकाबला जो हुआ था दोस्तों, इंडिया के लिए काफी बुरा का बात है, कल हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद। देखिएगा, 2014 में हार गए थे दोस्तों फाइनल जाके, 2015 में सेमीफाइनल, 2016 सेमीफाइनल, 2017 फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ, 2019 सेमीफाइनल, 2021 फाइनल, 2021 एग्जिट हो गए थे दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप था। तो उसके बाद अगर बात किया सेमीफाइनल, तो 23 तो आप जानते होंगे कल ही हार गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों, इंडिया के ICC ट्रॉफी बट नहीं आ रहे, लेकिन दोस्तों मैं पूरा 100% जोर के साथ बता रहा हूँ, इस बार इंडिया पक्का जीतेगा दोस्तों। जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाएगा, मुझे भरोसा है दोस्तों, भारत माता की जय। हम लोग कितना भी हारते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ भारत को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। इस बार प्रेयर करेंगे कि इस बार भी भारत ही जीते। उसके बाद अगर बात की, तरफ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की, तो वर्ल्ड कप का जो वेन्यूज होगा, जो आपको किस किस मैदान में खेला जाएगा, ये मैच एक मैदान में खेला जाएगा, वो मैदान में खेला जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा दोस्तों। वो वेन्यू या मेरे खिलाफ से ये 15 दिन के बाद आएगा मेरे खिलाफ से, वो आपको तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में दूंगा, बट लेकिन दोस्तों वो अभी आने में बहुत टाइम है। बट आपको मैं जो आपको टीम फटाफट बना के दे देता हूँ दोस्तों। हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ग्रैंड लीग का टीम
प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद बात किया तुमसे एक स्मॉल का टीम भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों काफी बंदे मेरे यूजर्स में स्मॉल लीग खेलने पसंद करते हैं, दोस्तों उन बंदों के लिए मैं एक स्मॉल लीग का टीम भी दूंगा। और उसके बाद अगर बात की तुमसे आपको वो छह ग्रैंड लीग का टीम प्रोवाइड करूंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको मैं एक लाइव चार्ट आपको स्मॉल लीग टीम बना के दे देता हूँ, चलिए लेट नहीं करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर बॉलरों को पिक करेंगे, तो कुल मिलाकर 11 प्लेयर को पिक करेंगे। दोस्तों इन 11 प्लेयर का आपको ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टैट्स के बारे में बता दूंगा। दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर में पिक कर लेते हैं, तो दोस्तों काफी एक्सपीरियंस रहने वाले ए माथुर को पिक कर सकते हैं, ए अलमराज को पिक कर सकते हैं दूसरे कीपर पे। तो दोस्तों दोनों कीपर्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो दोनों कीपरों की स्टैट्स के बारे में देखा जाए तो माथुर एक पार्ट टाइमर विकेट कीपर है, बट लेकिन दोस्तों फिलहाल पार्ट टाइमर विकेट कीपर के साथ साथ दोस्तों बॉलिंग भी डालते हैं। दोस्तों विकेट कीपिंग ये काफी साल से करने छोड़ दिए, इसके साथ बॉलिंग कर रहे हैं तो एक ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है। 27 रन बने थे 9 गेंद के, मलराज की बार बात के 25 रन बने थे 15 गेंद खेल के। ये तो रहा दोस्तों दोनों विकेट कीपर का स्टार्ट, और दोनों विकेट कीपर आपको काफी एक्सपीरियंस रहने वाले। उसके बाद अगर बात की बैट्समैन पिक कर सकते हैं आर लाल को, उसके बाद अगर बात की आर लाल जोला काफी मैचेस खेले नहीं इंजर्ड के कारण, लेकिन जो दोस्तों तगड़ा प्लेयर है प्लेयर को इधर कंफर्म कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात की दूसरे बैट्समैन के अवार्ड्स को पिक कर सकते हैं, दोस्तों 17 रन बने थे 13 गेंद खेल के, वी चरिंद्रा को पिक कर सकते हैं दूसरे बैट्समैन, 54 रन बने थे 17 गेंद खेल के। तो काफी मैचेस ये प्लेयर भी नहीं खेले लेकिन ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जे कुमटी को पिक कर सकते हैं चौथे बैट्समैन पे, तो 2 ओवर डाल के 3 सफलता बैटिंग का मौका नहीं मिला। एस वादीपाल की बार बात करें रिकॉर्ड हो गए तो 2 गेंद खेल के दोस्तों, लेकिन प्लेयर आपको जबरदस्त रहने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोग 5 बैट्समैन को इधर पिक कर लिए, और बाकी जो एक ऑलराउंडर को पिक करते हैं दोस्तों एम तोमर को पिक करते हैं, वो ऑलराउंडर का नाम है, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों। 19 रन बनाए थे 10 गेंद खेल के, बॉलिंग का मौका नहीं मिला था, मैच जीत गए थे दोस्तों तुरंत ही, लेकिन जो बता रहा हूं आपको ये प्लेयर जो है दोस्तों मीडियम पेसर के साथ साथ बेहतरीन तगड़े बैट्समैन है। तो ये ऑलराउंडर्स के इधर एक ऑलराउंडर के इधर कंफर्म कर लीजिए, बाकी जो 3 प्लेयर्स आते हैं हम लोग गेंदबाज में पिक करते हैं। तो यार संधू को पिक कर सकते हैं पहले गेंदबाज में, 2 ओवर डाल के 1 सफलता, इन प्लेयर का एज हो चुका है दोस्तों काफी, लेकिन गेंदबाजी उतना खास नहीं हुआ इस सीजन, बट लेकिन दोस्तों प्लेयर को इधर कंफर्म कीजिए, क्या कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस यूज हो सकता है। देखिएगा ICC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन खेला गया रहाने किस तरह कमबैक किए हैं दोस्तों, रहाने का जो खेल है ICC जो वर्ल्ड कप खेला दोस्तों उनमें भी शामिल करेंगे, तो कोई गलत नहीं है दोस्तों। जो ICC वर्ल्ड कप होने वाला 2023 इंडिया में अक्टूबर का महीना में होगा, तो उसमें रहाने को पिक करेंगे दोस्तों, कोई गलत नहीं है, तो रहाने को इधर पिक कीजिएगा। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं यल संधू एक्सपीरियंस है, काफी साल से T10 मुकाबले खेल रहे हैं फैन कोर्ट, तो इधर ये भले ये सीजन फॉर्म अच्छा नहीं गया लेकिन प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद अगर बात करें दूसरे बॉलर में डी सिंह को पिक कर लीजिएगा, और तीसरे गेंदबाज में दोस्तों तीसरे गेंदबाज में आपको इंपॉर्टेंट के साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का बता रहा हूं, पी कॉल को पिक कर लीजिएगा ये एन जहीर को पिक कर लीजिएगा तीसरे बॉलर में। दोस्तों एन जहीर आपको काफी एक्सपीरियंस रहने वाले हैं, काफी मैचेस खेले नहीं बट लेकिन आपको प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर 11 प्लेयर को पिक कर लें दोस्तों, 2 विकेट कीपर, 5 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर, 3 बॉलर के साथ जा रहे हैं, कुल मिलाकर 11 प्लेयर को पिक कर लें। तो इन 11 प्लेयर में दोस्तों कप्तान और वाइस कप्तान में किसको बनाएंगे चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों कप्तान पे आप बना सकते हैं, इसमें आपको नो डाउट रहने वाला है, तो मैं तो कप्तान पे जाऊंगा दोस्तों, इधर आंख बंद के कप्तान पे मैं आपको जा रहा हूं दोस्तों, इधर 100% जोर के साथ इसमें आपको नो डाउट रहने वाला है। वी चरिंद्रा के पास चल जाएगा कप्तान पे दोस्तों, काफी मैचेस खेले नहीं लेकिन बट आपको काफी एक्सपीरियंस प्लेयर आने वाले। और उसके बाद अगर बात की तो वाइस कप्तान में माथुर को पिक कर लीजिएगा वाइस कप्तान पे। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करके रख लीजिए टीम दोस्तों, ये मेरा स्मॉल लीग का टीम हो चुका है, तो आपको मैं स्मॉल लीग का टीम में दिखा देता हूं किस किस विकेट कीपर को पिक किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 2 विकेट कीपर्स को पिक किया, बैट्समैन में 5 बैट्समैन, ऑलराउंडर में 1 ऑलराउंडर, बॉलर में देखा 3 बॉलर, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये मेरा स्मॉल लीग का टीम है। उसके बाद अगर बात की 1 से 6 तक मेरा ग्रैंड लीग का टीम है, 7वां जो टीम है मेरा स्मॉल लीग का टीम है दोस्तों। तो फटाफट आप लोग ग्रैंड लीग का टीम भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्रैंड लीग की टीम में देखा जाए तो 1 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, ये माथुर है। उसके बाद बैट्समैन सिर्फ 5 बैट्समैन को पिक किया, विचारिंद्रा, आरलाल, आई जाहिरी, सी वैदिलय और एस खान को पिक किया दोस्तों, कप्तान पे बनाए वैदिया को, वाइस कप्तान में चल दिया, ऑलराउंडर में 2 ऑलराउंडर्स को पिक किया, गुजियर, तोमर। उसके बाद गेंदबाज में देखा जाए तो 3 गेंदबाज है दोस्तों, कुम्हारी, सांधू, डी सिंह को पिक किया। ये दोस्तों मेरा पहला ग्रैंड लीग का टीम। उसके बाद दूसरा ग्रैंड लीग का टीम देखा जाए तो विकेट कीपर में हम लोग 3 विकेट कीपर को पिक किए इधर, तो माथुर है, मुल्ले से, अमलराज है। उसके बाद बैट्समैन सेम बैट्समैन से, कप्तान में कप्तान है चालिंद्रा को, वाइस कप्तान वॉट्स, और ऑलराउंडर में 1 ऑलराउंडर है गुजियार। उसके बाद गेंदबाज में सेम गेंदबाज है। ये रहा मेरा दूसरा ग्रैंड लीग का टीम, आपको जितना ग्रैंड लीग का टीम दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर बात की तीसरा ग्रैंड लीग का टीम में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट कीपर अमलराज है, बैट्समैन 5 बैट्समैन को पिक किया, सेम बैट्समैन दोस्तों, कप्तान पे इधर बना लिया वदिला को, वाइस कप्तान पे तोमर को, और ऑलराउंडर में देखा जाए तो सेम ऑलराउंडर्स, बट लेकिन एम तोमर इधर शामिल हुए और उधर वाइस कप्तान भी रोल भी दिया हूँ।
उसके बाद अगर बात करें गेंदबाज में, सेम गेंदबाज है, डी सिंह हो जाए, कुलारी हो जाए, सांधू हो जाए, ये रहा मेरा तीसरा ग्रैंड लीग का टीम। उसके बाद चौथा ग्रैंड लीग का टीम ये रहा दोस्तों, चौथा ग्रैंड लीग का टीम देखा जाए तो दो विकेट कीपर को इधर पिक किया, मुलेस को इधर पिक किया और उसके बाद वाइस कप्तान भी इधर पिक कर लिया, और उसके बाद बैट्समैन में वी चालिंद्रा या लाल ये पोपाल और वलिद्रा को पिक किया, पोपाल को इधर कप्तान, और ऑलराउंडर्स में गुजियार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। चार ग्रैंड लीग का टीम दिखा है, ग्रैंड लीग टीम में गुजियार आपको एक कॉमन थिंग आ चुका है दोस्तों ऑलराउंडर में, ये प्लेयर को इधर आग बंद के कप्तान भी बनाएंगे जिसमें आपको नो डाउट रहने वाला, वाइस कप्तान भी बनाएंगे तो नो फिकर है दोस्तों इधर। उसके बाद अल्बर्ट को इधर पिक किया दोस्तों एक्स्ट्रा प्लेयर में। उसके बाद बॉलर्स में देखा है तीन बॉलर से पी कुमार है, कुवारी और सिंसवारी को पिक किया, ये रहा तीन गेंदबाज। उसके बाद चौथा ग्रैंड लीग ये टीम रहा, पांचवा ग्रैंड लीग का टीम ये रहा दोस्तों की ऑल विकेट कीपर्स में दो विकेट कीपर, सेम विकेट कीपर से माथुर और अल्बर्ट, बैट्समैन सेम बैट्समैन से, और उसके बाद ऑलराउंडर में सेम ऑलराउंडर्स को पिक किया। उसके बाद गेंदबाज में थोड़ा चेंज हुआ दोस्तों, कुवारी को पिक किया, सांधू और कुमारी शामिल हुए, कप्तान पे सांधू को बनाया, वाइस कप्तान पे कुवारी को बना लिया, ये रहा मेरा पांचवा ग्रैंड लीग का टीम। उसके बाद छठा ग्रैंड लीग का टीम ये रहा दोस्तों, विकेट कीपर में हम लोग सेम विकेट कीपर है, मुलेस इधर शामिल हुए बट दो विकेट कीपर है, बैट्समैन सेम वाट्स है, लाल है, सैस खान, तो वाइस कप्तान है ये रहा। ऑलराउंडर में देखा जाए तो तीन ऑलराउंडर्स है, उसके बाद एस गुजियार है, तो उसके बाद दो ऑलराउंडर्स है दोस्तों आर पांचाल और एस फरद, उसके बाद गेंदबाज में तीन गेंदबाज है दोस्तों, कप्तान पे बना लिया गुजियार को, वाइस कप्तान में के वाट्स को बनाया दोस्तों वाइस कप्तान पे, ये रहा मेरा छठा ग्रैंड लीग का टीम। उसके बाद अगर बात किया तो आपको सातवां जो टीम है स्मॉल लीग का टीम है, तो कुल मिला के आपको छह छह ग्रैंड लीग टीम एक स्मॉल लीग का टीम प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अगर बात करें मैं काफी इन्फॉर्मेशन दे चुका, और दोस्तों एक और बात है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बट इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहने के लिए। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, कोई भी आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में टीम में थोड़ा भी चेंज होगा, तुरंत मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों आपको मैं काफी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे चुका हूँ, तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट भी जरूर कर देना फ्रेंड्स। और उसके बाद बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको सिर्फ कप्तान और वाइस कप्तान बताने के लिए ईजी सिंपल सा थिंग है, बट लेकिन दोस्तों इस तरह आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको पार्ट ऑफ पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो हर वीडियो में आपको मैं जो है फैंटेसी में जितना अपलोड किया हूँ दोस्तों ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको भी एक फर्ज बनता है कि ये बंदे की कितना मेहनत कर रहा है, ये बंदे के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब एक कॉमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।